हेलो एवरीवन, आप लोग का एक और वीडियो पे स्वागत है। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं धान की कुटाई घर घर जाके कैसे करवा सकते हैं बहुत आसान से। और अभी हम ट्रैक्टर के मालिक और मशीन के मालिक जो ऑपरेट करते हैं उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहे लास्ट तक। तो हम ये मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो हम इनसे थोड़ा सा सवाल पूछेंगे। तो आप बताइए कि ये मतलब मशीन के साथ आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? करीब कितना दिन हो गया मशीन के? दो साल हो गया है। तो इसमें कुछ भी फॉल्ट होता है तो आपको मालूम पड़ जाता है? जैसे अभी वहाँ धान पूरा आने लगा उधर से, तो क्या करेंगे? अंदर उधर कचरा थोड़ा बैठ जाता होगा, तो उसको साफ करके वापस चालू कर देते हैं। और उधर पालिस अपने हिसाब से दबा सकते हैं कि मतलब और यहाँ पे देखो ये भूसे निकला हुआ है और ये है पालिस। यहाँ से पालिस निकलता है, यहाँ पे मतलब ब्रान इधर से निकलता है। यहाँ पे आवश्यकता के अनुसार से इसको दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं। जैसे बहुत लोग रहते हैं कि पालिस बोलते हैं बहुत चिकना चाहिए हमको, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पालिस को और दबाना पड़ता है ना? धान साफ किया जाएगा। अच्छा, और ये देखिए सांप के द्वारा चलता है, चाहे जहाँ ले जाके इसको मतलब अपने घर के करीब में इकट्ठा करके धान अपना आसानी से कुटवा सकते हैं। और भूसे अपना ये ले नहीं जाते हैं, इधर स्टोर करने के लिए बना हुआ है, लेकिन मतलब ऐसे है। और एक कांटा लगा हुआ है इस वजन करने के लिए, जिसको पॉलिश की आवश्यकता होती है वो वजन करके। हाँ, तो अभी हम इनके मालिक से मिलना चाहेंगे, आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि वो ये मशीन कितने दिन से चला रहे हैं। तो आप लोग, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो आप हमको ये पहले बताइए कि ये मतलब आप कितने दिन से ये चला रहे हैं? सात आठ साल से। तो इसमें कुछ जैसे क्या कहते हैं कि सेफ्टी के लिए जैसे कुछ हाथ हो तो अगर इसमें नहीं गया कभी? नहीं जाएगा। तो आप कुछ मतलब बताना चाहेंगे कि कुटवाने के लिए मुझसे इस चीज़ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? नंबर है या कोई कार्ड वगैरह है? 94-15-55-89। अच्छा ठीक, तो आपसे बात करके अच्छा लगा। आप हमारे वीडियो के माध्यम से आपका पूरा मतलब प्रचार किया जाएगा, जहाँ तक मतलब जाएगा वहाँ तक मतलब आपसे संपर्क करेंगे फोन करके। तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। तो अभी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं मशीन किस तरह से उसमें धान डाला जाता है और किस तरह से वो चावल बना के बाहर निकलता है साइड में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम मशीन की तरफ चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कैसे धान से चावल निकलता है, तो पालिस भी कैसे निकलता है और भूसा कैसे निकलता है, वो सब आप लोग को दिखाएँगे। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो यहाँ से आप लोग सामने देख सकते हैं ये धान डालने के लिए बना हुआ है, इसमें धान डाला हुआ है और यहाँ से धान अंदर की तरफ जा रहा है कन्वर्ट के द्वारा। ऊपर मशीन में 3-4 जगह से फिल्टर होके आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फिल्टर होके यहाँ से और यहाँ आके पूरा यहाँ पर गिरता है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और ये मशीन कहीं भी ले जाके अपना आसानी से कुटवा सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं शाफ्ट के द्वारा चलता है।
और ये देखिए यहाँ छोटा छोटा फिल्टर लगा हुआ है, इसके माध्यम से धीरे धीरे ऊपर से प्रेस होते होते आता है, और ये जस्ट साइड में ये पॉलिश वो इकट्ठा होता है, और यहाँ ये बोरी में भर रहे हैं, वहाँ बोरी लगा दिया जाता है और वहाँ पे पॉलिश इकट्ठा किया जाता है। और ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पंखे चल रहे हैं, इतना फ्रेश चावल निकल रहा है आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग आपको यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, आप लोग कुटवाने के लिए इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा कूट चावल कूट उठा है, और यहाँ अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, और हमारा खाली हो जाएगा तो यहाँ पर और है, ये देखो डाल रहे हैं हमारे दादाजी हैं, वो डाल रहे हैं यहाँ पे, उनका दो बोरी धान है वो उठा के डाल रहे हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे डालिए हैं, मंसूरी का धान है, अभी चावल आप लोग को दिखाए देगा कि कैसे, मतलब अरवा और भुजिया का मतलब अलग अलग चावल रहता है, तो अभी आप लोग को दिखाते हैं। हाँ अभी भुजिया वाला जो देहाती भाषा में कहते हैं भुजिया वाला, वो कुटाई हो रहा है, जो उबाल कर छत पे सुखा कर बढ़िया कुटाया जाता है, तो अभी निकल रहा है। इसके बाद वो दादाजी वाला अभी निकलने वाला है वहाँ साइड में, तो यहाँ गेहूँ चावल वो भर दिए धान, तो वहाँ भी देखिए किस तरह से धान यहाँ पर डाला जाता है, कैसे जाता है, और यहाँ पर पॉलिश जमा किया जाता है, वहाँ से इकट्ठा करके इस पर लादा, और एक कांटा है जो इस पर तौला जाता है, और जस्ट पीछे ये भूसी निकलता है यहाँ से। आप लोग